नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आज हम बनाएंगे वॉल हैंगिंग रूम डेकोर। तो उसके लिए आपको चाहिए कार्डबोर्ड और कुछ कलर्ड पेपर्स। सबसे पहले हम एक सर्कुलर पेपर लेंगे, उसको डबल फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम उस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जब ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी और जो एक्स्ट्रा पेपर होगा उसको हम सीजर से काट देंगे। अब ये कट हो गया है और जब जो हमें ग्रूव्स दिख रही हैं उन ग्रूव्स पे हमें कट लगाना है। जैसे कि आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं, अब हम इसे ओपन करेंगे। जब हम इसे ओपन करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ स्पेस है जहाँ पे कट नहीं लगा है, तो हम उस पर कट लगाएंगे और अगेन इसको ओपन करने के बाद कट लगाएंगे। अब हम अपनी उंगलियों से इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। जितनी भी पंखुड़ियाँ होंगी हम सभी पंखुड़ियों को फोल्ड करते जाएंगे एक एक करके। इस तरह से आपको कुछ 10 पेपर्स फोल्ड करने हैं। एक पेपर को हम वैसे ही रहने देंगे और बाकी जो 9 पेपर होंगे उनको हम ट्रिपल फोल्ड करेंगे। जो एक पेपर था उस पर हम इन सभी पेपर्स को स्टिक करते जाएंगे एक एक करके। हमें पहले 8 पेपर्स स्टिक करने हैं। हमें इन्हें अच्छे से स्टिक करना है ताकि ये निकले नहीं और एक बहुत ही सुंदर फ्लावर बनेगा फिर इससे। अभी अच्छी तरह से स्टिक हो गए हैं और जो हमारा एक पीस बच जाता है उसको हम सेंटर में प्लेस करेंगे। इस तरह के हमें 4 फ्लावर्स बनाने हैं। अगेन हम 8 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर पेपर लेंगे, उसको हम बीच में से ऐसे फोल्ड करेंगे और देन सीजर से हम इसे में से कट करेंगे। एक पेपर से हम 2 पत्तियां बनाएंगे और पत्तियां बनाने के लिए हम इसे दोनों तरफ से ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। पहले एक साइड से फोल्ड करेंगे और फिर दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। जैसे करना कंप्लीट हो गया है तो हम सेंटर से ऊपर को फोल्ड करेंगे और जो बीच में स्पेस है इस पर हम ग्लू लगाएंगे और फिर हम इसे स्टिक कर देंगे। तो ये हमारा एक पत्ता तैयार है। इस तरह से हम 8 पत्ते बनाएंगे। अब स्मॉल फ्लावर्स बनाने के लिए हम येलो कलर का सर्कुलर पेपर लेंगे, उसको हमने डबल फोल्ड करना है। और जब ये डबल फोल्ड हो जाएगा तो हम सीजर से उसे इस तरह से काटेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। जब ये पूरी तरह से कट जाएगा तब हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस पेपर को हम पेंसिल से इस तरह से रोल करेंगे जिससे फ्लावर का लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर आएगा। और अब ये रोल हो चुका है, इसको हम 4 पार्ट्स में कट करेंगे। और हम एक पीस को लेंगे हाथ में और इसको हम ग्लू से चिपकाएंगे। और जब हम इसे स्टिक कर रहे हैं तब हम इसे थोड़ी देर इसको होल्ड करना है ताकि फ्लावर जल्दी से ये चिपक जाए। और अब इसका फ्लावर रेडी है। इस तरह से इसके 4 फ्लावर्स बनेंगे, स्मॉल स्मॉल 4 फ्लावर्स। अब इसको और ज़्यादा इसको अच्छा लुक देने के लिए हम इस पर एक और फ्लावर स्मॉल फ्लावर स्टिक कर देंगे। इस तरह के आपको 8 फ्लावर्स बनाने हैं। हमारे सभी फ्लावर्स रेडी हैं। अब हम एक कार्डबोर्ड लेंगे, उस पर हम कंपास से 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे और अब हम जो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड है उसको हम कट कर देंगे। अब हम इस पे फ्लावर स्टिक करेंगे, पर उसके पहले हम इसे हैंग करने के लिए एक रिबन का यूज़ करेंगे।
अगर आपके पास ग्लूगन है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो आप डबल टेप का यूज़ कर सकते हैं। आपको इस तरह से एक स्मॉल पीस डबल टेप का कट करना है और इसको ऐसे स्टिक कर देना है, और अभी हैंग करने के लिए रेडी है। अब हम इस पे जो हमने फ्लावर्स बनाए हैं वो सभी फ्लावर्स और लीव्स स्टिक करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक फ्लावर के अराउंड हमें दो लीव्स स्टिक करने हैं और टू स्मॉल फ्लावर्स इसके आगे स्टिक करने हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार लाइक बटन प्रेस कर दो। And thank you so much guys for watching this video.